कृष्णा, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसी खुशी है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात हम सदैव प्रफुल्लित रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें? कोई ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात हमारे अंतर्मन के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए और हम वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जान सकें, समझ सके? इन सभी गूढ़ प्रश्नों के उत्तर हमारे समक्ष अत्यंत सरलता से प्रस्तुत करेंगे श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। हमारे प्रवक्ता श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन करने के पश्चात प्रभु जी ने कॉरपोरेट एवं मीडिया विभाग के क्षेत्र में भी कार्य किया है। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के विभिन्न कार्यक्रमों यथा भागवत कथा एवं भगवान नाम प्रचार में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए उपरोक्त सभी प्रश्नों के मार्गदर्शन हेतु श्रवण करें आत्म साक्षात्कार के विज्ञान श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। अभी हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक कि किस प्रकार से एक व्यक्ति संसार में दुखों को समाप्त कर सकता है अगर वो अपने एटर्नल फादर के साथ में अपना संबंध पुनः जोड़ ले। तो हमने जाना कि कोई एटर्नल फादर है, तो पता चला कि हाँ, एटर्नल फादर कोई लाइट नहीं है। ही इज नॉट ही इज एवरीथिंग और ही इज समथिंग और ही इज नथिंग। He is a person, supreme personality of Godhead. Person है मतलब एक व्यक्ति है, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। हमने जाना कि वो कौन है। भगवान श्री कृष्ण, परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है और सभी संसार में जितने भी जीवात्मा हैं सब उनके दास हैं। और हमने जाना कि हम कौन हैं। हम एक आत्मा है अपने पिछले कार्यक्रम में, और ये आत्मा विशेषकर लोग पूछते रहती कहाँ है, तो कुछ लोग कहते हैं मस्तिष्क के बिल्कुल इस स्थान में रहती है। एंड मेडिटेट ऑन दिस पार्ट ऑफ दी थ्री फोर हेड, कहते आईब्रोज के बीच में ध्यान लगा। कुछ कहते हैं वो नाभि में नेवल पॉइंट पे रहती है, चक्रास के पास रहती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। आत्मा कहाँ रहती है? भगवान गीता में बता रहे हैं कि ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तृष्टा थी। हे अर्जुन, हृदय के देश में रहती है ना। तो भगवान और आत्मा, परमात्मा और आत्मा दोनों हमारे हृदय देश में रहते हैं, हृदय के अंदर भी नहीं है। द रीजन ऑफ द हार्ट, इसका मतलब अगर हार्ट चेंज भी किया जाए तो आत्मा वहीं रहती है और व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा हार्ट उधर चला गया तो हमारी आत्मा भी उधर चली गई। तो आत्मा सच्चित आनंद है और हम रहते हैं इस आत्मा के शरीर को धारण कर कर के। हम इस कहते हैं आई एम अ लिविंग बॉडी, नाउ आई एम दिस, आई एम दैट। तो हम जानेंगे कि आत्मा जब ये शरीर छोड़ कर के हम चले जाते हैं, या फिर हम कहें आत्मा चली जाती है, हम चले जाते हैं जब ये अपना शरीर छोड़ के, कहते हैं उनका शरीर शांत हो गया, तो ये आत्मा जाती कहाँ है? क्या ये भगवत धाम चली जाती है? क्या ये नरक में चली जाती है? क्या ये स्वर्ग में चली जाती है? या फिर ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है? तो लोगों को लगता है कि कोई बस एक फिक्स पैटर्न है। अरे जब रेलवे के अंदर आप देखते हैं कि देयर आर सो मैनी ट्रेन फ्रॉम वन जंक्शन वन स्टेशन गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस, तो ऐसा क्यों है? लोग बोलते हैं नहीं, कर्म फिलॉसफी मतलब जो किया वो बोना पड़ेगा, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नर्क नहीं होता, सब कुछ यही है। कुछ कहते हैं स्वर्ग है और फिर एक नर्क है। कुछ कहते हैं नहीं, ये आत्मा यहीं पर समाप्त हो जाता है, बस एक ही बार शरीर मिलता है। कुछ कहते हैं नहीं, ये 84 लाख योनि में घूमता है। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। अगर हम साधारण शास्त्र की दृष्टि से देखें, शब्द प्रमाण से, हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारी यात्रा क्या है। तो शास्त्र सब कुछ व्याख्यान करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बाद भी हमें ऐसा क्यों होता है, यार मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? तो ये प्रश्न आपको भी आता होगा ना। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक टेनिस प्लेयर थे, लॉन टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम था आर्थर एश। ये आर्थर एश जो थे, इनको विंबलडन चैंपियन बनाया गया। विंबलडन चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने अपने हाथ में लिया
और जब ये विंबलडन चैंपियन ट्रॉफी लिए, और इनको फिर बाद में कुछ समय बाद क्या हो गया था, एक डिसीज़ हुआ जिससे इनकी डेथ होने वाली थी, कैंसर डिसीज़। अब जब ये डिसीज़ हो गया इनको, तो इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो परिवार के लोग थे, बहुत दुखी हुए। यार भगवान ने कितना गलत किया ना तेरे साथ में, ऐसा क्यों किया भगवान? भगवान ना सुनता नहीं है हमारी, कभी नहीं सुनता भगवान हमारी कि हम उसकी इतनी प्रार्थना करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारी इतनी प्रार्थना करने पर भी ऐसा क्यों हुआ? तो आर्थर एश ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ अपने रिश्तेदारों से, कि 50 करोड़ लोग हर साल लॉन टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उन 50 करोड़ों में से सिर्फ 5 लाख ऐसे होते हैं जो कि आगे खेलना सीख जाते हैं कि हाँ कैसे खेले जाते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बैट बॉल, फुटबॉल ला के देता है, पर उन 50 करोड़ में से 5 लाख हर साल खेलना सीख जाते हैं। ओके, कैसे हमें हिट करना है, कैसे कैच करना है, कैसे हमको थ्रो करना है, कैसे स्मैश करना है, ये सारी चीज़ें जान जाते हैं 5 लाख। उन 5 लाख में से 50 हज़ार हर साल प्रोफेशनल स्टेडियम ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए कि मुझे आगे इसको कैसे सीखना है। उन 50 हज़ार में से 5 हज़ार ग्रैंड स्लैम के लिए अप्लाई करते हैं कि हम जाएंगे और अब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे। उन 5,000 में से जो ग्रैंड स्लैम में अप्लाई करते हैं, उसमें से सिर्फ 50 ही विंबलडन जैसे चैंपियनशिप में क्वालिफाई करते हैं, और उन 50 में से सेमीफाइनल में कितने लोग पहुंचते हैं? क्वार्टर फाइनल में 4, सेमीफाइनल में 2, और फाइनल में 2, और अब जो ये व्यक्ति फाइनल में 2 है, इनमें से फाइनलिस्ट कौन बनेगा? हु विल विन द मैच? ओनली 1। तो उन्होंने कहा कि जब मैं नंबर 1 बना, उन 50 करोड़ लोगों में से मैं नंबर 1 बन के आया, मैंने विंबलडन ट्रॉफी पकड़ी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि ऐसा ही क्यों, तेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने, 50 करोड़ लोगों के साथ क्यों नहीं किया? लेकिन जब बुरा होता है तब हमें भगवान की याद आती है, जब अच्छा होता है तो हम सोचते हैं मेरे कारण। तो हमें समझना चाहिए ये सब कुछ न मेरे कारण है न भगवान के कारण है, इसमें बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हम 5 कारण एक कारण के पीछे होते हैं, मतलब एक एक्शन के पीछे। देयर आर 5 रीजंस फॉर मेकिंग 1 एक्शन। इफ आई एम स्पीकिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे हाथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पीछे 5 कारण हैं। 5 कारण कौन से? एक है ईश्वर, मतलब कि भगवान। एक है प्रकृति, मतलब दी नेचर। उसके बाद है जीव, यानी कि मैं, सोल, आत्मा। और एक है ये हमारी ईश्वर, प्रकृति और जीव और काल। काल मतलब कि कौन सा टाइम। और उसके बाद में है काल कर्म। कर्म जो है, कर्म सिखाते हैं व्यक्ति को कि हाँ इसने ऐसा कर्म किया जिसके कारण आज इसके साथ ऐसी फल इसको मिल रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकते खाली कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है, ना ये कह सकते हैं कि खाली समय के कारण ऐसा हो रहा है, ना ये कह सकते हैं खाली हमारे ईश्वर के कारण ऐसा हो रहा है, ना ये कह सकते हैं कि खाली मेरे कारण ऐसा हो रहा है। ये सभी कारण जुड़े हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई कर्म करना है, जैसे बैंक से पैसे निकालने। बैंक में मैंने अपने 50,000 रुपये जमा किए, और उस 50,000 रुपये में से मैं HDFC बैंक से अपने पैसे निकालना चाहता हूँ। अब इन 5 कारणों को चेक करते हैं कि एक एक्शन को करने के लिए क्या ये 5 कारण आवश्यक हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए अब मैं 50,000 रुपये निकालने पहुंचा बैंक में, अब वहां पर जो कैशियर है, अगर वो मेरा जानकार नहीं है तो मुझे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। हो सकता है जब तक मैं पहुंचूं तो वो मुझे पैसे ना दे और कह दे कि आपका साइन मैच नहीं हो रहा है, टोकन लेके आओ, टाइम पूरा हो गया है। लेकिन अगर वो जान पहचान का हो तो मुझे लाइन के अलग से वो कहता है कि ठीक है, डोंट स्टैंड इन अ क्यू, आप अपना काम कर लो, फॉर्म दे दो, मैं इनका फिनिश करके आई विल डू द टास्क, मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो कैशियर से अगर जान पहचान हो तो हमारा काम हो सकता है। तो कैशियर यहाँ पर है ईश्वर। अगर ईश्वर हमारे हर एक चीज़ को सैंक्शन करें तो फिर हमारा चेक, हमारा कर्म, हमारा अपना जमा किया हुआ कर्म हम ले सकते हैं, मतलब जमा किया हुआ पैसा हम ले सकते हैं। लेकिन अगर कैशियर से जान पहचान नहीं है और वो फॉल्ट निकालता रहेगा, नहीं नहीं, ही गॉड इज अ सैंक्शनिंग अथॉरिटी, भगवान ही वो है जो आपके कर्मों से आपको क्या मिलना चाहिए उसको सैंक्शन करते हैं। आपने चाहे कितने अच्छे कर्म किए हो, लेकिन अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, काल कुछ नहीं है। हाँ, भगवान तो कहते हैं मैं समय हूँ, महाभारत प्रारंभ होने से पहले। तो भगवान अगर समय है तो फिर समय कैसे काम करता है? मान लीजिए आप HDFC बैंक पहुँच गए और उनका समय है सुबह 9 से रात के 9 बजे तक खुला रहता है हमारा बैंक,
और आप पहुंच गए सुबह 8 बजे पैसे निकालने। क्या 8 बजे निकाल पाएंगे? इसका मतलब कौन से समय पे हमको ये काम करना है या कौन से समय पर हम पैसे निकाल पाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक हो गया काल, एक हो गया ईश्वर, और उसके बाद हो गई प्रकृति, नेचर। मान लीजिए आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर जो आपका HDFC बैंक ही नहीं है, ना ATM है, सेंटर है, ना वहाँ बैंक काउंटर है, तो फिर निकाल पाएंगे पैसे? तो आप प्रकृति भी आपको सहयोग करती है इस कार्य को पूरा करने के लिए। जैसे ये पंच भौतिक शरीर हमको मिला है, ये प्रकृति के द्वारा मिला है। तो प्रकृति भी ज़रूरी है, काल भी ज़रूरी है, ईश्वर भी ज़रूरी है, और साथ में कर्म भी ज़रूरी है। मान लीजिए अगर मैं 1 लाख रुपये, मैंने 50,000 रुपये जमा किए हैं मेरे अकाउंट में, और मैं चेक में भरता हूँ 1 लाख, 1 लाख रुपये, तो क्या मिलेंगे? तो 1 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में है ही 50,000। इसी तरह हम कई बार दूसरों को देखकर कहते हैं, अरे उसके पास तो, अरे इतना पैसा है, इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे को कब मिलेगा? और हम दुखी होते रहते, हे प्रभु, हे प्रभु, दे दो भगवान को। हमने ना परिक्रमा कर करके जय माता दी, जय माता दी, जय भोलेनाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हम करते रहे, लेकिन हे अल्लाह, ओ गॉड, ओ गुरु, हम सब कुछ बोलते रहे, लेकिन मेरे कर्मों के अनुसार ही तो मुझे मिलेगा। जितना मेरे अकाउंट में होगा उतना ही पैसा मुझे प्रभु दे सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कर्म क्या है। और पांचवा, मान लीजिए कि मैं जो हूँ मैं करना ही नहीं चाहता, नो डिज़ायर, मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। अरे भगवान की इच्छा होगी ना तो उस दिन बुला लेंगे मंदिर, अरे भगवान की इच्छा होगी ना तो ये काम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसमें खाली भगवान की इच्छा नहीं है, अरे पैसे मिलने होंगे ना मेरे, आज तो मैंने चेक यहाँ पे रखा है, आएंगे अपने आप, पैसे आ जा, पैसे आ जा, ऐसे तो नहीं आएंगे। आपको वहाँ तक, बैंक तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको जीव को भी वहाँ होना जरूरी है, तभी वो काम हो सकता है। मतलब जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 चीज़ें जब मिलती हैं तब एक एक्शन होता है, तब एक कर्म होता है, तब एक एक्शन होता है। और वो एक्शन कौन सा होना चाहिए ये हमें समझदारी से सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, हमने ये सब समझ लिया, आपने बताया कि हम आत्मा हैं, भगवान कृष्ण हैं, लेकिन भगवान को क्या ज़रूरत थी? हम वहाँ थे भगवान के पास, अच्छे खासे हैं, भगवान के अंश थे, भगवान ने बनाया, और भगवान ने हमको पैदा ही क्यों किया? और पैदा किया तो ये दुखमय संसार में क्यों भेज दिया, जहाँ पर हर टाइम टेंशन टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, कितना परेशानी है यहाँ पर, तो भगवान ने सब क्यों किया? तो समझने वाली बात ये है, इसमें एक उदाहरण देते हैं आपको। आपने भी अपना एक घर बनाया होगा, है ना, एक अपना ओन हाउस, या रेंट पे रहते होंगे तो आप प्लान कर रहे होंगे कि मेरा एक अपना घर होना चाहिए। तो अपना घर व्यक्ति क्यों बनाता है? अपना घर बनाता है ताकि आराम से रह सके। और वहाँ पर काम करने वाले क्यों रहता है? कार साफ करने के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए एक मेड रखते हैं, बर्तन मांजने के लिए, वॉशिंग करने के लिए वॉशरमैन, ड्राइविंग करने के लिए ड्राइवर, ये सब क्यों रखते हैं आप? क्योंकि आप जानते हैं ये सेवक जो हैं ये मेरी सेवा करेंगे और मुझे आनंद प्रदान करेंगे मेरे सुख के लिए। कभी ऐसा हो कि आपके घर में काम करने वाली मेड आए और कहे, देखिए साहब, देखिए मैम साहब, मैं तो है ना काम करूंगी, लेकिन मैं 4 घंटे आराम करूंगी, मेरे लिए फ्रिज में खीर बना के रखना, साथ में मेरे लिए एक टेलीविज़न ऑन करके रखना, मैं आते ही इसमें LCD में पिक्चर देखूंगी और फिर पगार भी लूंगी। ऐसा समय होगा तो आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे उस मेड को? हाँ हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो, कहीं मत जाओ, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम किसी घर का काम मत करो, बस यहाँ आया करो, मैं तुम्हारे पाँव दबाऊंगी, खाना बनाऊंगी, ऐसे बोलेंगे हम? हम उसे कहेंगे तुरंत यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे आराम के लिए हैं या फिर तुम हमारे आराम के लिए हो? तुम हमारे सेवक हो या हम तुम्हारे सेवक हैं? समझे आप? ऐसे ही भगवान ने ये सृष्टि बनाई किसके लिए? अपने आनंद के लिए। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, उसमें सेवक बनाए, ये विभिन्न आत्माएं हम सब, क्यों? ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। अब भगवान की सेवा करने वाले जो है ना, वो कहने लग जाए मैं स्वामी हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, चलो प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, तो ये तो वही हो गया, काम वाली अपनी इच्छा पूरी करा रही है, मेड अपनी इच्छा पूरी करा रही है, ड्राइवर अपनी इच्छा पूरी करा रहे हैं, और स्वामी जो है वो इच्छा पूरी कर रहे हैं और फिर बाद में सेवा भी कर रहे हैं उनकी। ऐसा नहीं है, प्रभु के हम दास हैं, कहते हैं ना, तुम सेवक हम स्वामी, कृपा करो भरता, तुम स्वामी हम सेवक, है ना, और हमने उल्टा कर दिया है, तुम सेवक हम स्वामी,
तुम स्वामी हम सेवक, हम सेवक हैं। हम देखिए बहुत सारे ऐसे भजन गीत गाते चले आ रहे हैं जीवन में, आरतियां, जिसमें पूर्ण ज्ञान है, लेकिन कभी ध्यान से सोचा है नहीं हम अगर सेवक हैं तो सेवक ऑर्डर देता है या स्वामी ऑर्डर देता है। मास्टर ऑर्डर्स एंड द सर्वेंट रिसीव्स। और अब देखिए हम क्या करते हैं, हम लिस्ट लेके जाते हैं अपने स्वामी को, मास्टर के पास, फुलफिल माय दिस डिजायर, दिस डिजायर, दिस डिजायर, दिस डिजायर। उसने बनाया हम सबको उसकी सेवा के लिए, और जिस पल हम उसकी सेवा करते हैं परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये बहुत बिल्कुल सत्य बात है। तो ये आप देखिए, तो वो लोग कहेंगे फिर ठीक है, हमने माना आपने सेवा के लिए बनाया था भगवान ने, तो हम भगवान के धाम में थे, बिल्कुल सही। तो भगवान के उस अप्रकट वैकुंठ धाम से जहाँ कोई कुंठा नहीं, वैकुंठ, कुंठा रहित जगत, एंजाइटी फ्री लाइफ, उसने यहाँ क्यों भेज दिया? एंजाइटी फुल लाइफ, एकदम टेंशन, मरे गिरे, एकदम टूटे फूटे, ऐसे यहाँ क्यों भेज दिया? तो यहाँ पर भेजा ऐसे जैसे सरकार सब कुछ बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, रोड्स बनाती है, लेकिन साथ में एक पुलिस स्टेशन भी बनाती है। पुलिस स्टेशन क्यों बनाती है? क्या सरकार एक नए शहर की व्यवस्था बनाते वक्त पहले से सोचती है कि यहाँ क्रिमिनल्स होंगे, यहाँ कुछ लोग होंगे जो व्यवस्था को तोड़ेंगे? वो इसलिए बनाती है कि अगर कोई तोड़े तो उसको यहाँ रखा जाए। ऐसे ही हमें भगवान ने एक पूरी पृथ्वी के अंदर ये 3/4 जिस प्रकार से जल है और 1/4 पृथ्वी है, इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में 3/4 भगवत धाम है, भगवान का धाम है, और 1/4 ये भौतिक जगत है जिसमें दुखों का घर कहा जाता है, दुखालयम कहा जाता है। तो इस दुखों के घर में, इस जेल में हमें भेजा गया ताकि यहाँ पर हमें पनिश किया जाए, हमें थप्पड़ मारे जाएं, और फिर यहाँ पर हमें रिफॉर्म किया जाए, हमको सुधारा जाए। सरकार जेल में क्यों भेज दिए? ताकि उससे बदला ले, तूने चोरी करी थप्पा, तूने चोरी करी, तूने मर्डर किया फांस में चढ़ा दो, इसलिए कि वहाँ रखते हैं कि तुम्हारा रिफॉर्मेशन हो। जब तुम छोटी छोटी सेवा करोगे, पत्थर तोड़ोगे, चक्की से आटा पीसोगे, सिलाइयाँ करोगे, तो तुम धीरे धीरे कपड़ों की सिलाई करते 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 तुम्हारे क्या हो जाएगी, सब तुम साफ सुथरे सुधर जाओगे। लेकिन फिर क्या होता है, सरकार इतना पैसा लगाती है, लोग जेल में जाते हैं और फिर बाहर निकल के फिर से वो क्रिमिनल एक्ट करते हैं। इसका कारण है कि सुधार करना पड़ेगा आध्यात्मिक स्तर पर। इसलिए हमारे इस्कॉन केंद्रों से भी हम जाते हैं जेल आदि प्रोग्राम्स में, और वहाँ जाकर जब बताते हैं लोगों को तो लोग कहते हैं आपने आज हमें बहुत ज्ञान दिया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बाहर निकल कर हम अब अपना सादा जीवन जिएंगे, भगवान का भजन करेंगे, अपने इस जीवन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम जो है क्यों बनाया गया। तो अब जो कोई व्यक्ति जेल जाता है, तो जेल जाते वक्त उसके कपड़े बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते, उसके कपड़े परिवर्तित किए जाते हैं। तो उसको विभिन्न प्रकार के कपड़े, जैसे किसी जेल में ब्लू कलर के होते हैं, किसी जेल में और किसी प्रकार के कपड़े हैं, ऐसे ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े व्यक्ति को पहनाए जाते हैं। उस कपड़े को पहनने से क्या पता चलता है, ये एक नॉर्मल सिविलियन से अलग है, ये एक कैदी है, ऐसा हम समझ पाते हैं। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं कि जब ये जीवात्मा, जो आत्मा जिसके ऊपर कोई शरीर नहीं था, तो ये शरीर एक प्रकार का कपड़ा है, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, भगवद गीता कहती है जैसे पुराना कपड़ा होता है उसके फट जाने पर हम नया कपड़ा धारण करते हैं और दुखी नहीं होते, ऐसी आत्मा पुराना शरीर हो जाने पर नए शरीर में चले जाती है और पुराने वाले को त्याग देती है। तो सिमिलरली ऊपर से आत्मा भगवत धाम से जब यहाँ इस प्रिजन हाउस में, इस दुखमय संसार में अपने को सुधारने के लिए, कि हम ऊपर से नीचे आए सुधरने के लिए, तो जब सुधरने के लिए आए तो एक कपड़ा दिया गया। तो कितने प्रकार के कपड़े हैं? 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं, है ना। शास्त्र कहते हैं जलजा नव लक्षाणि स्थावर लक्षा विमश्यति कर्मो रुद्र संख्या नाम पक्षिनाम दस लक्षणम त्रिमसला लक्षाणि पाश्वः चतुर्लक्षाणि मनुष्यशः। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि इतने प्रकार के योनियां हैं, तो जैसे माने 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 11 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, मतलब कि जमीन में चलने वाले छिपकली सांप ऐसे जीव हैं, 10 लाख प्रकार की चिड़िया है, पक्षी हैं, और 30 लाख प्रकार के 4 पैरों पर चलने वाले जानवर हैं, मतलब चतुष्पा कहते हैं ना, जैसे 4 पैर पर चलने वाले गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी, बैल, ऐसे, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य, आप सोचिए। तो इसलिए ये जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उसमें से भी वो उत्तम मनुष्य होते हैं जिनको ऐसा ज्ञान मिलता है,
ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्णा पाए भक्ति लता बीजा। ये जो भक्ति की लता है जो भगवत धाम तक ले जाएगी, उसका बीज जो है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये ब्रह्मांड में घूमने के बाद कई कई जन्मों में घूम चुके हैं, कभी ये योनि कभी वो योनि, कभी ऐसे जीव के कपड़े कभी वैसे जीव के कपड़े, ये आत्मा बार बार घूम रही है। और जब मनुष्य बनता है और उसमें भी उसे गुरु मिल जाए जो कृष्ण का ज्ञान दे, जो भगवान का ज्ञान दे, तुरंत उसकी यात्रा अंतिम यात्रा हो सकती है और उसके बाद उसका पुनः ये संसार में आने जाने का चक्र रुक सकता है। लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता क्योंकि वो तीन गुणों की रस्सियों में बंधा होता है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण सतोगुण तमोगुण की जो रस्सियां हैं वो व्यक्ति को कठपुतली की तरह नचाती हैं और वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। भगवान का नाम है त्रिगुणातीत, इन तीनों गुणों से ऊपर है भगवान कृष्ण। वो कहते हैं तुम अगर मेरा भजन करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें इन तीनों गुणों से मुक्त कर सकता हूँ। सतोगुण कैसा होता है, उसमें व्यक्ति सादा भोजन खाता है, ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं होता, दाल चावल रोटी सब्जी खा करके सादा भोजन खाओ प्रभु के गुण गाओ, ऐसा व्यक्ति हो जाता है सत्वगुणी। लोगों की मदद करता है, भगवान का चिंतन करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है। रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, आई विल प्रूव दिस वर्ल्ड दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसे बोलता है। वो पैशनेट व्यक्ति होता है, तीखे तीखे खाने खाता है, रात को देर देर तक जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, रोज नया बिजनेस प्लान करता है, सारे रजोगुणी का है। तमोगुणी हो ऐसा मादक पदार्थ खाता है, सड़ा हुआ भोजन खाता है, नॉन वेज खाएगा, मांसाहार का सेवन करेगा, ये एक तमोगुणी व्यक्ति है और देर देर तक सोता है। जैसे जब हमारी एक पिछली कंपनी थी उसमें मैं जब कार्य किया करता था, माई प्रीवियस जॉब, और उस जॉब में जब मैं फुल टाइम भक्त नहीं था तो उस समय एक मेरा मित्र हुआ करता था। वो मित्र जो है वो फ्राइडे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारा मल्टीनेशनल कंपनी थी तो मंडे टू फ्राइडे काम होता था और फ्राइडे के बाद में फिर सैटरडे संडे ऑफ होता था। मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद सैटरडे संडे ऑफ था, तो मैंने फ्राइडे इवनिंग में उससे पूछा, अरे भाई क्या प्लान है इस बार वीकेंड पे, क्या करने वाले? बोला बहुत थक गया हूँ सोऊंगा। मैंने कहा अच्छा, और फिर उठने के बाद क्या करोगे? कह रहा ऑफिस आऊँगा। मैंने कहा फिर सैटरडे संडे कुछ नहीं करोगे? कह नहीं, फ्राइडे को सोऊंगा मंडे मॉर्निंग में उठूंगा। मैंने क्या तीन दिन तक सोते ही रहोगे? तो सोचिए आप ऐसे लोग जो हैं ये तमोगुणी हैं। तो तमोगुण की रस्सी खींचती है, रजोगुण की रस्सी खींचती है, सत्वगुण की रस्सी खींचती है। अलग अलग प्रकार का म्यूजिक पसंद होता है, सितार वाला सितार का म्यूजिक सत्वगुणी व्यक्ति को पसंद है और गिटार का म्यूजिक रजोगुणी व्यक्ति को पसंद है, और बड़े बड़े ड्रम्स लगा के डूम 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 ऐसा म्यूजिक तमोगुणी व्यक्ति को पसंद है। इन तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो अब हमें ये समझना है कि इस संसार में इन तीनों गुणों को हम कैसे काटें। इनको काटने के लिए हम कहते हैं किसी कर्म की एक कर्म की प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप इन द नेक्स्ट बर्थ और इन दिस बर्थ। तो कर्म तीन प्रकार के हैं, कर्म विकर्म अकर्म। कर्म मतलब वो कर्म जो शास्त्र की दृष्टि से सही है, लोगों की सेवा करना, परिवार का पालन करना, वो कर्म है। विकर्म शास्त्र की दृष्टि से गलत है, ऐसा कर्म जैसे कि मान लीजिए मांसाहार का सेवन करना, मदिरा पान करना, लोगों से झगड़ा करना, लोगों को सीव कर देना, ये सारे विपरीत अर्थक कर्म विकर्म। और अकर्म क्या है, तो लोग सोचते हैं अकर्म मतलब कुछ काम नहीं करना बैठ जाना, तो बैठना अकर्म नहीं। अकर्म मतलब वो हम जब काम तो करते हैं लेकिन काम का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो हमको उस फल का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं मिलता, प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसके कारण हमें पुनः इस संसार में आना पड़े। बहुत ही ज़रूरी ये बात समझने के लिए है। अर्जुन ने 1 अरब से अधिक सेना को खत्म कर दिया, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और फिर क्या हुआ, उनको कोई पाप नहीं लगा। तो आप कहेंगे हम अकर्म कैसे करें, हम तो जॉब करते हैं। तो जॉब आप करते हैं तो उस जॉब में जो भी सैलरी आती है अगर उसका कुछ अंश भगवान के पुस्तक वितरण में, गीता प्रचार में, भक्तों की कथा प्रचार में, मंदिर के कार्यक्रमों में लगता है तो सही मायने में ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्म हो जाएगा। जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगाएं तो वो अकर्म हो जाएगा।
तो देखिए, इस तरह से हमें हर चीज़ भगवान को समर्पित करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि मैंने तो अब तक जो किया उसके लिए क्या होगा, है ना। तो इसमें समझना चाहिए कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स लगता है कि अगर आपने 7 अच्छे काम किए, 2 बुरे काम किए, तो लोग कहते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को 5 अच्छे कामों का फल मिलेगा। नहीं, 7 अगर अच्छे किए, 2 बुरे किए, तो 7 अच्छे का अच्छा मिलेगा, 2 बुरे का बुरा मिलेगा। तो इग्नोरेंस करने से काम नहीं चलेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमने तो इस जीवन में कुछ गलत नहीं किया, तो फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो देखिए, एक खेतों में एक सिलो होता है जिसमें गेहूं भर के रखा जाता है। मान लीजिए आज 2017 चल रहा है, सन 2000 में किसी फार्मर ने अपना काला एकदम गेहूं उसके अंदर भरा, सन 2000 में। फिर 2010 में 10 साल बाद उसका 50% अच्छा आया और 50% खराब, उसने फिर उसको सिलो में डाला, ड्रम में डाला। और अभी 7 साल बाद उसका एकदम 100% अच्छा आया, उसने फिर ऊपर डाला। और सिलो के नीचे एक नल लगा होता है, एक टैप होता है, जिस नल को खोल करके आप उसमें से गेहूं बाहर निकाल सकते हैं, ग्रेन्स को निकाल सकते हैं। अब ये जो फार्मर है जिसने सन 2000 में बिल्कुल काला डाला, उसके बाद 2010 में आधा काला आधा सफ़ेद गेहूं डाला, अभी 2017 में उसने पूरा सफ़ेद डाला, तब सबसे पहले नल खोलेंगे तो निकलेगा क्या, सबसे काला। क्यों? क्योंकि उसने सन 2000 में किया था और भूल गया था। अभी वो कहे 2017 में, पिछले 7 साल में मुझे नहीं याद कि मैंने कभी गंदा गेहूं इसमें डाला, सब अच्छा गेहूं। लेकिन उसने जो सन 2000 में डाला, उसका भी तो कुछ अंश बाहर निकलेगा। तो इसी तरह ये मिक्स होकर के निकलता है। तो लोग कहते हैं कल का कर्म आज ही क्यों नहीं मिल जाता है, या फिर अगले जन्म में मिलता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन, एक इंस्टेंट रिएक्शन, एक डिलेड रिएक्शन। इंस्टेंट मतलब इस जन्म में भी मिल सकता है, डिलेड मतलब अगले जन्म में भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में ATM कार्ड है, आप जाएं पैसे निकालने, तुरंत निकाल सकते हैं। चेक से निकालेंगे, कुछ समय बाद मिलेगा। तो लोग कहते हैं मुझे मेरे कर्मों का मिलेगा, या फिर मेरे परिवार को भी मेरे कर्मों का मिलेगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कर्म होते हैं, इंडिविजुअल कर्म मतलब मेरा खुद का, और एक है कलेक्टिव मतलब सबका, सामूहिक कर्म, और एक व्यक्तिगत कर्म। व्यक्तिगत कर्म कुछ गलत किया है तो व्यक्तिगत कर्म की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया मिलेगी, अगर सबने मिलकर किया है तो सबको मिलेगी। हम देखते हैं सुनामी आई, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये सब सामूहिक विपरीत कर्म करने के कारण इकट्ठा करके, प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, भगवान के संरक्षण में काम करती है, उठा करके व्यक्ति को उसके कर्म की प्रतिक्रिया देती है। आपने कुछ गलत किया है तो आपको मिलेगा। छोटा सा बच्चा अगर बिजली के पॉइंट में हाथ लगाए तो क्या बिजली कहेगी छोटा बच्चा है छोड़ दो? इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं नहीं जानता, अज्ञानता से आप बच नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान लें और ये जानें कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। भगवान ने हमको यहाँ भेजा है अपनी सेवा कराने के लिए, तो हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए और आनंद में रहना चाहिए। अगर इतने सारे गलत कर्म हम कर चुके हैं तो अब हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में बताएंगे कि इन कर्मों को कैसे आप आसानी से सुधार सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।